नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर लीडर देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल पर आप देखते हैं कि खेती बाड़ी से आप कैसे अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि कृपया इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पिछली वीडियो में हमने अरबी की उन्नत खेती कैसे करें यह जाना था। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अरबी की उत्पादन बढ़ाने के लिए किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अरबी की मेडनाली विधि से बुआई करनी चाहिए, जिसमें तैयार खेत में 60 सेंटीमीटर की दूरी पर मेड़ व नाली का निर्माण किया जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंची मेड़ पर 45 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रत्येक कंद बीज को 5 सेंटीमीटर की गहराई में रोपा जाना चाहिए। अरबी के लिए भूमि तैयार करते समय 15 से 25 टन प्रति हेक्टेयर सड़ी गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट खाद और आधार उर्वरक को अंतिम जुताई करते समय मिला देना चाहिए। रासायनिक उर्वरक नाइट्रोजन 80 से 100 किलो, फास्फोरस 60 किलो और पोटाश 80 से 100 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग लाभदायक होता है। फाइटोपथोरा झुलसन यानी पत्ती की अंगमारी, अरबी की फसल का यह मुख्य रोग है जिसमें पत्तियां गल कर गिरने लगती हैं और कंद सिकुड़ कर छोटे हो जाते हैं। कंद बोने से पहले रेडोमिल MZ 72 से उपचारित करें। खड़ी फसल में रोग की प्रारंभिक अवस्था में रेडमिल MZ 72 से 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर छिड़काव जरूर करें। अरबी की पत्तियों का फैलाव ज्यादा होने के कारण वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होता है। सिंचित अवस्था में रोपी गई फसल में 7 से 10 दिन के अंतराल पर 5 महीने तक सिंचाई जरूर करें। परिपक्व होने पर भी अरबी की फसल हरी दिखती है, सिर्फ पत्तों का आकार छोटा हो जाता है और खुदाई के 1 महीने पहले सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप हमें खेती बाड़ी से जुड़े कोई नए सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगली वीडियो में फिर लेके आएंगे एग्रीकल्चर से जुड़ी कुछ नई बातें। तब तक के लिए नमस्कार।